नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। भाई दूज की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत गुवाड़ी ग्राम पंचायत के गांव गुवाड़ी में आए हुए हैं, जहां पर हर साल की भांति परंपरा के अनुसार गुवाड़ी जैन समाज के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद एक रथ जो जैन समाज के द्वारा गांव के बीच चौराहे से लेकर तालाब तक निकाला जाता था, लेकिन इस वक्त कोविड को देखते हुए ये रथ गांव के मुख्य चौराहे पर यहां पर लाया जाएगा और यहां से ये रथ वापस मंदिर की तरफ ले जाकर रखा जाएगा और ये एक साल में एक बार निकाला जाता है ये रथ, और उनके साथ जैन समाज के सभी गुरुदेव उनके सानिध्य में ये रथ निकलेगा और उसके साथ यहाँ पर लोग भी उपस्थित रहेंगे। इस वक्त यहाँ पर सांकेतिक रूप में एक मेला भी आयोजित किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कोविड के बाद इस वक्त कोविड थोड़ा सा कम है और लोग काफ़ी लुफ्त उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। सांकेतिक रूप में जो मेला आयोजित किया गया है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं कोविड के बाद बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद इस वक्त अपने चेहरों पर मुस्कान लिए हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने खिलौनों को खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनके साथ में माता पिता आए हुए हैं। दीपावली का जो त्यौहार है आपसी सौहार्द और सद्भावना का त्यौहार है और इस त्यौहार पर भाई दूज पर गुवाड़ी से ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त की ये जो तस्वीरें बहुत ही सुंदर और बेहतरीन कोविड के बाद आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोविड जैसी एक बीमारी जो आई थी, आपदा आई थी, इस तरह की दोबारा ना आए और इसी तरह का जो माहौल है हंसी खुशी के साथ हर साल यहाँ पर दिखाई दे और हर साल यहाँ पर लोग सुख समृद्धि कामना करते हुए इस तरह के त्यौहार और जो आयोजन होते हैं उसमें हिस्सा लें और हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाएं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये गुवाड़ी की तस्वीरें हैं और इसी तरह का एक मेला भरता है हड़माला में, जहां पर हम हड़माला में भी गए, हड़माला में देखा कि वहां पर शिव मंदिर में इसी तरह का एक मेला आयोजित होता है, लेकिन वहां पर हमें लोगों की कोई भीड़ नज़र नहीं आई। लोग मंदिर में दर्शन करके अपने अपने घरों की तरफ निकल लिए थे, वहाँ पर कोई ज़्यादा संख्या में लोग नहीं थे। हम वहाँ पर हड़माला से जो लोग दर्शन करने आते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस वजह से यहाँ पर लोग नहीं आए हैं और क्या यहाँ पर आज मेला नहीं भरेगा या भरेगा, तो हम उनसे बात करते हैं। अभी ये जो मेला यहाँ पर हर साल की बात ही भाई दूज पर भरता है, तो इस बार यहाँ पर पब्लिक क्यों नहीं नजर आ रही है? सर, वो कोविड की वजह से। सर, जैसा कि दीपावली और भाई दूज पर यहाँ पर जो मेला भरता था, इससे पहले कोविड के पहले किस तरह के कार्यक्रम होते थे यहाँ पर? कोविड के पहले सागवाड़ा नगर और आसपास के जितने भी लोग हैं ग्रामीण, वो सब यहाँ आते थे, दर्शन करते थे और मेले का लुत्फ लेते थे। यहाँ झूले वगैरह सब लगते थे, गन्ने का रस है। लगभग कितने लोग आते थे? लगभग 1000 से 2000 लोग आते थे। और क्या कार्यक्रम होता था यहाँ? यहाँ लास्ट में फिर आरती उतरती थी और दर्शन करते थे और मेले में जो लगे हैं उसका लुत्फ लेते थे। प्रसादी का भंडार होता था? प्रसाद का भंडार होता था। आपका शुभ नाम? नीलेश शाह। तो जैसा कि अभी आपने देखा, कोविड की वजह से हड़माला में बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर नहीं आए हैं और मेला यहाँ पर आयोजित नहीं हो रहा है। लोग दर्शन करके अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोविड जैसी कोई बीमारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लोग काफ़ी, आप देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात करें तो पालना होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सांकेतिक रूप में मेला है और हड़माला में इस वक्त मेले जैसी कोई स्थिति नज़र नहीं आई, लोगों की भीड़ नज़र नहीं आई। इस वक्त जो गुवाड़ी में मेला है, इस मेले के संबंध में हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो मेला आज यहाँ पर मेला लगा है, उस मेले में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। जैसा कि सर, आज यहाँ पर दीपावली और भाई दूज पर जो हर साल की बात है परंपरा के अनुसार मेला लगता है और यहाँ पर रथ भी निकलता है, इस संदर्भ में कोविड के बाद 2 साल के बाद अभी हाल फिलहाल में जो मेला लगा है, काफ़ी खुशी नज़र आ रही है लोगों में, तो ये जो कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। सबसे पहले तो बागड़वासी और इस क्षेत्र के सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ और दीपावली के इस त्यौहार पर, नए साल के इस पर्व पे आज भाई दूज मनाई जा रही है और भाई दूज का ऐसा त्यौहार है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर एक मेला लगता है। जैन समाज एवं 36 कौम के लोग
इस गोवाड़ी गांव में पधारते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ एक छोटा सा मेला लगता है। पहले कोविड था, 2 साल तक हमको ये त्यौहार नहीं मना पाए, लेकिन इस वर्ष देखिए आप, कोविड कम हो रहा है और आज आप देखिए यहाँ पर हर पब्लिक के वो किसी के मास्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं और आज ये त्यौहार 2 साल बाद मनाया जा रहा है ताकि ये लोगों में जो एक उत्साह है उसमें 4 चांद लग गए और नए वर्ष में मैं सभी बागड़वासी एवं हमारे जैन समाज के एवं 36 कौम लोगों को सबको हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कीर्ति भाई सराफ और शेखर भाई, महेंद्र भाई, ये सभी हमारे समाज के श्रीमण भाई, सभी समाज के हमारे ट्रस्टी हैं और उत्साह के साथ आज गोवाड़ी गांव में हमने सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो जैसा कि अभी ये रथ यहाँ से निकलेगा, ये रथ कहाँ से कहाँ तक के लिए निकलेगा? शेखर भाई आप बताएं। ये परंपरागत हमारा त्यौहार है जो हम कार्तिक शुद्ध द्वितीय के रोज गोवाड़ी मंदिर में सरगवाड़ा समाज के लोग आते हैं और प्रतिवर्ष की भांति यहाँ आज हर्ष उल्लास है। पूजा अर्चना के बाद, शांति विधान के बाद में रथ का मंदिर जिन मंदिर से प्रस्थान होता है और तालाब की पाल की तरफ हम लोग जाते हैं और वहाँ उस स्थान से हम लोग वापस यहाँ आते हैं और यहाँ गेर भी खेली जाती है और उत्साह के साथ में नगर गोवाड़ी के ग्रामवासी मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं और परंपरागत ये त्यौहार हर्ष और उल्लास और खुशी का त्यौहार है। इस अवसर पर मैं सागरा लाइव न्यूज़ मार्फत आप सभी को तहे दिल से हमारे समाज और अन्य समाज के अलावा सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। सर, जैसा कि आज यहाँ पर ये रथ यात्रा निकलेगी और जो मेला भरा है, इसमें लगभग कितने लोग आए हैं और आने की संभावना है? यहाँ लगभग 2000 लोग शामिल हुए हैं, जैन समाज और अन्य समाज के, और इन सभी वागड़ वासियों को मैं अपनी तरफ से दीपावली की बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आइए। हमारे नगर सेठ जैन समाज के सेठ साहब महेश, इस वक्त जैसा कि यहाँ पर ये मेला भरा है और रथ यात्रा निकलेगी, इस संबंध में आप भी बताएं दोस्तों। ये हमारा परंपरागत त्यौहार है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है और बहुत पूरे जैन समाज सागवाड़ा वाले इधर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और रथ वगैरह का भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है। इस वक्त क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिस तरह से यहाँ पे मेला भरा है और भाई दूज की अवसर है? हम तो यही चाहते हैं कि भाई सब लोग इस मेले से अधिक संख्या में आए और हर्षोल्लास के साथ इस मेले को मनाएं। सर, जैसा कि आज यहाँ पर जो मेला भरा है, इस संबंध में मंदिर में क्या पूजन कार्यक्रम क्या हुआ, इसके बारे में बताएं। देवादिदेव गजराज श्री अजितनाथ भगवान का प्राचीन बावन डेयरी जिनाला ही है और प्रतिवर्ष की भांति दिवाली के बाद भाई दूज के दिन यहाँ पे मेला लगता है और मेले में सागवाड़ जैन समाज कॉलोनी और अदर गांव से लोग आते हैं और प्रातः पंचांग अभिषेक शांतिधार होती है और कुछ आचार्य संघ विराजमान होते हैं, उनके सानिध्य में होता है और दोपहर को विधान होता है। विधान के बाद यहाँ पे निर्वाण लड्डू चला जाता है। निर्वाण लड्डू चलने के बाद यहाँ पे आरती होती है, आचार्य की आरती होती है और सामूहिक भोजन दोनों टाइम के समय वसिल होता है और यही हमारा कार्यक्रम होता है और रथोत्सव निकलता है। यहाँ जो रथ की पारंपरिक परंपरा जो पहले से बनी हुई है बापदादों के जमाने में और यह आचार्य के सानिध्य में यहाँ हम लोग डांडिया रास गरबा रास खेलते हैं, उसी परंपरा के साथ रथ का विसर्जन होता है, भंडार होता है, शाम को आरती होती है और समय वसर के सब घर पे बधाते हैं। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हर साल की बात ही परंपरा के अनुसार यहाँ पर ये गुवाड़ी ग्राम पंचायत में मेला भरता है, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है और कोविड के बाद 2 साल बीत जाने के बाद ये मेला अभी कोविड का खतरा इतना नहीं है तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं लोग और यहाँ पर जो मेला लग रहा है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो रथ यात्रा निकली, वो रथ यात्रा गांव से होती हुई यहाँ पर निकली और धूमधाम के साथ, हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार, भाई दूज का जो त्यौहार है और रथोत्सव का जो त्यौहार है, रथ के साथ जैन समाज के लोग और सर्व समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की कोविड जैसी महामारी दोबारा ना आए और इसी तरह की जो रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी हो और अगले साल यहाँ पर और हज़ारों की संख्या में लोग आएँ और हंसी खुशी के साथ सभी खुशहाल हों। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।